नमस्कार हम लोग में आपका स्वागत है मैं हूं पंकज पचौरी और हम लोग में हर हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों को हम उठाते हैं ज़्यादातर और इस हफ्ते बड़ी खबर ये रही है और उसका जो विवेचन है हम यह करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या हिंदुस्तान में क्या भारत में हम धर्म और राजनीति को अलग कर सकते हैं और ये तीन बड़ी घटनाएँ इस हफ्ते में हुई हैं और उन तीनों घटनाओं को हम अपने परिपेक्ष में रखेंगे और उन तीनों घटनाओं में से एक बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब इस बार देवबंद गए वहाँ पर एक बड़े जलसे में जो कि मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं उनका जलसा वहाँ पर था लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे उस पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या एक मंत्री को इस तरह के जलसे में जाना चाहिए दूसरी बड़ी बात यह है कि उसी जलसे में गृह मंत्री के जाने से पहले देवबंद वालों ने यह कहा कि वंदे मातरम गाना जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए ठीक नहीं है उसके ऊपर एक बड़ी बहस जो है वो देश में शुरू हो चुकी है आ, साथ ही तीसरी बड़ी घटना जो इस हफ्ते में हुई है वो ये है कि वरिष्ठ पत्रकार और हम लोग पर ज़्यादातर आने वाले आज होते तो हमारे साथ में बैठे होते प्रभाष जोशी आ, हमारे बीच नहीं है और वो भी इस मुद्दे पर लगातार लिखते रहे थे किताबें लिखते रहे थे और समीक्षाएं उनकी आप सब लोगों के सामने हैं इसी सब पर हम बात करेंगे और तमाम जो लोग यहां बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और आप ट्विटर पर भी हमसे सवाल कर सकते हैं अपनी राय रख सकते हैं फेसबुक पर भी रख सकते हैं दोनों ही जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारी आप तक पहुंचने की कोशिश है वो जारी रहेगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही हिंदू जो धर्म है उसके बड़े गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे साथ में हैं शुरुआत उनसे ही करते हैं कि स्वामी जी क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में समय आ गया है कि एक बड़ी बहस शुरू हो कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए धर्म मनुष्य के समग्र जीवन से जुड़ा हुआ है और राजनीति भी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है तो हम लोग ये चाहते हैं कि धर्म हमारी राजनीति को शुद्ध करे राजनीति में जो विसंगतियाँ आती हैं उनको दूर करे लोगों को ईमानदारी से रहना सिखाए ये धर्म सिखाता है इसलिए धर्म को छोड़ना संभव नहीं है क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पशुता से उठाने के लिए ही धर्म का निर्माण हुआ है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये धर्म बतलाता है और इसी के आधार पर मानव पशु से ऊंचा उठता है जी आ, स्वामी जी एक बात यहाँ पर है कि आपने कहा कि राजनीति में जो विसंगतियां हैं उसे धर्म दूर करता है जो धर्म में विसंगतियां हैं फिर उसे कौन दूर करेगा राजनीति कहेंगे कि हम दूर करेंगे आप देखिए हमारे गृह मंत्री जी हैं वो अभी देवबंद गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने कहा आ, कि हमारे मुल्क में जो हिंसा हो रही है और जिस तरह से लड़के जो हैं वो अपने रास्ते से हट रहे हैं उसके ऊपर काबू पाने के लिए उन्होंने वहाँ पर जाके अपील भी की है जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि ये सभा किस लिए हो रही है अगर वहाँ पर वंदे मातरम का विरोध किया गया है उसके संबंध में फतवा जारी किया गया है तो वंदे मातरम के आधार पर ही तो देश स्वतंत्र हुआ है तो ऐसी सभा में उनको नहीं जाना चाहिए था ये जो वंदे मातरम है ये हमारी कोई हिंदू देवताओं की मान्यता के लिए नहीं है ये भारत माता है जिसका की हिंदू धर्म में कोई उल्लेख नहीं है भारत माता तो सबकी है जो भारत को अपना अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे वो भारत छोड़कर चले गए अब जो भारत में है उन्हें भारत माता का आदर करना चाहिए और कभी हम लोग सकते हैं एक मिनट में आपके पास में हम वापस लौट के आएंगे शकील अहमद साहब स्वामी जी का ये कहना है और तमाम लोग जो कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है टीका कारण टिप्पणी कारण उनका भी ये कहना है कि मंत्री जी को इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए मैं पंकज मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में दो मुस्लिम धाराएँ थीं एक मुस्लिम लीग एक जमातुललमाए हिंद इसकी मीटिंग देवबंद में थी मुस्लिम लीग इसकी लड़ाई लड़ रही थी कि देश का बंटवारा होना चाहिए धर्म के आधार पर देश बंटना चाहिए